जाके लगातार जी व्हीकल आया देख पा रहे हो लाइव मशीनां मौजूद ने बम डिस्पोजल वैन ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆਖਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਵੇਰ लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है यहाँ पर पहुँच रही हैं यहाँ पर एनर्जी के भी टीम के लोग दिखाई दे रहे हैं एनर्जी काले कपड़े वाले एनआईए है ना एनआईए काले कपड़े वाले सामने तो खाना ये भी एनर्जी है वो गए और वो बैग से लेके आ रहे हैं जी पन्नू वाले अच्छा एक मास साइट पे हां एक साजिश भी जो The French team is trying to collect all the evidence. As I already told you that one theory which is emerging. जो संदिग्ध था जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया वो अंदर गया इस तरह से वो एक्सप्लोजिव क्योंकि भारी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया क्योंकि जितने जोर का धमाका था उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटी मात्रा में एक्सप्लोजिव जो है उसका इस्तेमाल नहीं तीन जी एजेंसियां दियां टीमां ने जिहड़ियां कि इत्थे पहुंच चुकी होईयां ने उसनू काबू करने के लिए जो भी कदम चुके जाने उन्हें तमाम चीज़ों से जी खास रहेगा इस घटना के बम पाया जाता है जब इतने पहुंच गया और जी टीम है जो पहुंची हुई है बम डिस्पोज करने लिए और बम की चेकिंग करने लिए इस जगह नहीं है कैमरामैन संदीप के नाम करिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार जिहड़ी लाइव देख पा रहे हो
व्हीकल आया तो देख पा रहे हो कि ये बहुत तस्वीरें चुकी है मशीन मौजूद ने बम डिस्पोजल जिस तरह पहला एनएसजी की टीम इतने पहुंच चुकी हुई आखिर अंदर की अपने डॉक्यूमेंट जेडे कि नाल ले आंदे ने और जांच सवेर लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो यहाँ पर पहुँच रही हैं, यहाँ पर एनएसजी के भी टीम के लोग मेंबर दिखाई दे रहे हैं। एनएसजी ये काले कपड़े पहने हैं, एनआईए काले कपड़े पहने हैं, ये भी एनएसजी है। वो गए और वो बैग से लेके आए हैं जी परिवार के दोपहर 12:25 के करीब बड़ा धमाका होता है। पूरी पुलिस को भी संभाला जाएगा कि इस एंट्री से जो संदिग्ध था जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया वो अंदर गया किस तरह से, वो एक्सप्लोजिव क्योंकि भारी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जितने ही जोर का धमाका था उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटी मात्रा में एक्सप्लोजिव जो है उसका इस्तेमाल नहीं। तीन जी एजेंसियां दियां टीमां ने जिहड़ियां कि इत्थे पहुंच चुकी होईयां ने उसनू काबू करन दे लई जो भी कदम चुके जाने उन्हां तमाम चीज़ां ते जिहड़ी खास रहेगा कि होता है इस घटना के बम पाया जाता है जब वो इतने पहुंच गया और जो पहुंची हुई है बम डिस्पोज करने के लिए और बम की चेकिंग करने के लिए नहीं है। कैमरामैन संदीप के नाम करिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐੱਨ ਐੱਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਮ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।